ओके 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। इस 11 दिन में मैंने बहुत मेहनत किया, सही बताऊं, और कभी बताऊंगा कि इस 11 दिन में मैंने क्या काम किया है। चल झूठा, कभी बताऊंगा किसी वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर चैनल के बारे में। जैसे कि आपको बताया होगा कि कुछ दिन पहले हमने मिस्टर इंडियन हैकर चैनल पर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अपलोड होने के बाद काफी सारे डिसलाइक आए, काफी सारे नेगेटिव कमेंट आए और काफी सारे लोगों ने कमेंट में गालियां बकी, यहां तक कि कई लोगों ने तो मुझे धमकी भी दी। कुछ लोगों ने कहा कि मैं मिस्टर इंडियन हैकर चैनल का नाम यूज करके व्यूज बटोर रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई तू नेगेटिव वीडियो बना। ठीक है, तो उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के बात सभी लोगों का मतलब ये निकल कर आ रहा था कि अब तू सॉरी बोल दे, मतलब मैं वीडियो बनाकर सॉरी बोल। अब सभी लोगों की मर्जी, ठीक है, सभी लोगों को लग रहा है कि मैंने वीडियो गलत बनाया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो आई एम सॉरी, सभी लोगों से सॉरी, मिस्टर इंडियन हैकर से भी सॉरी और उनकी टाइटेनियम आर्मी से भी सॉरी, उनके सारे सब्सक्राइबर से भी सॉरी और मेरे भी सब्सक्राइबर से सॉरी, और कोई नया आया है तो उसे भी भाई सॉरी, गलती हो गई, मैंने वो वीडियो बनाया। अब तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे दोषी करार कर ही दिया है तो फिर मैं तो मेरी सफाई भी तो रख सकता हूँ ना, क्योंकि दोषी को तो अपनी सफाई रखने का हक होता है। ठीक है, तो मैं भी मेरी सफाई में कुछ कहना चाहूंगा और वो ये है कि उस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अगर आप उस वीडियो के थंबनेल को देखेंगे तो वहां पर मैंने फेक ऐप के साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि हम कंफ्यूज है, वो एक तरह का सवाल है, क्या ये फेक ऐप है या नहीं है, और नीचे एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है। भाई मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने ये नहीं कहा कि वो फेक ऐप है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो फेक ऐप है या नहीं है। और वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो मैंने ये भी कहा है कि भाई मैं खुद उनका सब्सक्राइबर हूं, मैं खुद उनके वीडियो देखता हूं, मुझे उनकी वीडियो पसंद भी है। ठीक है, फिर मैं उनके ऊपर नेगेटिव वीडियो कैसे बनाऊंगा? आप उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, उस वीडियो में मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर ने जो ऐप बताई है वो फेक ऐप है। मैंने ये कहा है कि ऐसी कोई ऐप अवेलेबल नहीं है गूगल प्ले स्टोर पे, कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, उस ऐप को इंस्टॉल करोगे और पटाखा अपने सामने रखोगे, बिना कोई सर्किट, बिना कोई वायर के अपने ऐप से पटाखा जलाओगे, ऐसी कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई ऐप ही नहीं बनी है। और उन्होंने जो ऐप बनाई है, उन्होंने जो ऐप के बारे में बताया है, वो ऐप उन्होंने डिजाइन की होगी या फिर किसी के पास करवाई होगी, बट उस ऐप का यूज करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने कुछ सर्किट का यूज किया, कुछ केबल्स का यानी कि कुछ वायर का यूज किया, और ऐप की मदद से उस सर्किट के थ्रू उन्होंने वो पटाखा जलाया है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया और साथ साथ में मैंने ये भी कहा है कि अगर आप भी मिस्टर इंडियन हैकर की तरह उसी तरह की ऐप बनाना चाहते हैं, उसी तरह की ऐप का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो भाई आप इनकी चैनल पर विजिट कीजिए, इन्होंने ट्यूटोरियल बताया है कि कैसे आप सर्किट का डायग्राम कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह कर सकते हैं और कैसे ऐप को बना सकते हैं। मैंने ये बताया है, मैंने ये नहीं कहा है कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर ने जो ऐप बताई है वो फेक ऐप है, गलत ऐप है। देखिए मिस्टर इंडियन हैकर चैनल ने जो वीडियो बनाया है उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, ट्यूटोरियल नहीं बताया, और वो ट्यूटोरियल नहीं बताते यार, क्योंकि ट्यूटोरियल बताने वाली चैनल नहीं है उनकी, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो मजा आता है उनका वो वीडियो देखकर। और जिन यूट्यूबरों ने उसी टॉपिक पर ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है उसी यूट्यूबर के बारे में उन्होंने बताया था कि भाई अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब बताओ यार मैंने क्या गलत किया, मैंने कहां कुछ गलत बोला? मैंने ये बताया कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर ने जो ऐप बताई है वो सही ऐप है यार, और जो यूट्यूबर ऐसे टॉपिक पर ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं तो उन यूट्यूबर के बारे में मैंने बताया कि अगर आप ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर विजिट करें। और मैंने ऐसा उस वीडियो में कुछ कहा ही नहीं है जिससे साबित होता है कि मिस्टर इंडियन हैकर ने जो ऐप बताई है वो फेक ऐप है या फिर वो पूरा का पूरा वीडियो ही फेक है। और यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो 10-15 सेकंड देखते हैं और जजमेंट ले लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं कि हां भाई पूरे वीडियो में इसने ये कहा होगा, ये कहा होगा, देखते नहीं है, बस समझ लेते कि हाँ हमको पता है किसने क्या कहा होगा, और सीधा कमेंट कर देते हैं कि भाई तूने ये कहा, तूने गाली बकी, तूने मतलब नेगेटिव वीडियो बनाया, पूरा वीडियो नहीं देखते। इसी का फायदा उठा के कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, देखिए मैं यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपकी इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऐसी चीज का फायदा उठाते हैं, इसीलिए कभी भी किसी को कमेंट करें तो पहले आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आप अपनी बात रखें, ऐसा नहीं कि बस 10-15 सेकंड वीडियो देखा और अपनी बात रख दें, ये
बिल्कुल गलत है। पहले आप देखो तो सही कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है। अगर गलत कह रहा है तो आप बात रखो अपनी, सही कह रहा है तो आप उसे अपनी बात रखो कि नहीं यार तूने सही कहा, गलत कहा तो गलत कहा, बट पहले आप उसकी बात तो सुनो। 10-15 सेकंड से जजमेंट कैसे ले लेते हो। अब जाते जाते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए कि कहां मैंने कुछ गलत कहा है, और सही में अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत नहीं कहा है तो यार इस वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।